महेंद्रगढ़ की पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने भाजपा सरकार के विकास कार्यों की जमकर आलोचना की है। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और चारों ओर निराशा का माहौल बना हुआ है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद भी किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता से आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श भी किया। श्रुति चौधरी ने बताया कि कांग्रेस सत्ता में आते ही किसानों का कर्जा माफ करेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। उन्होंने कांग्रेस को ही एकमात्र ऐसी पार्टी बताया है जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है और केवल विकास में विश्वास रखती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाए और भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर करें। जींद में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, जरूर जीतेगी, मेरा पूरा विश्वास है। और डेवलपमेंट, विकास कुछ हुआ ही नहीं आज के दिन। हुआ क्या है? कांग्रेस पार्टी के जो कार्य काल में जो हुआ है वो ही हुआ है, उसके आगे पीछे किसी ने कुछ किया नहीं है। लोग परेशान हैं। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? अभी लोकसभा चुनाव बहुत निकट है, तो आपके क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? देखिए, किसान सबसे पहले। हर सरकार, हर पार्टी आज के दिन, चाहे बीजेपी हो, इनेलो हो, बहुत बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन किसान अगर आप देखो तो कांग्रेस पार्टी ने ही सारा काम किसानों के लिए किया। और आते ही, जैसे ही कांग्रेस पार्टी आएगी पावर में, किसानों के जो कर्जे हैं वो माफ़ ज़रूर होंगे।